बोर्ड और उसे जुड़े मामले अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। इस बार वक्फ संपत्ति के SBUT परियोजना विध्वंस पर लोग गुस्साए हैं, जिसके बाद से ही मुस्लिम समुदाय ने माहिम दरगाह के ट्रस्टी सोहेल खंडवानी और डॉक्टर मुदस्सिर लांबा महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के सदस्य से अपील की है कि वे मुस्लिम समुदाय के साथ खड़े हो। सोहेल खंडवानी ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई अन्य बातों की जानकारी मीडिया को दी। देखिए, माहिम दरगाह और हाजिली दरगाह जो है एक प्लेटफॉर्म, एक ह्यूमैनिटी का है, और हमारे वहाँ ऐसा है कि माहिम दरगाह का महाराष्ट्र में 80% मस्जिद दरगाह कब्रिस्तान का एक रिप्रेजेंटेशन यहाँ आते रहता है हमारे साथ में रबते में, और माहिम दरगाह की तरफ से एक वक्फ बोर्ड के ऊपर मेंबर भी चुन के गए डॉक्टर मुदस्सिर लांबे। तो कुछ भी ऐसा मसला होता है दरगाह मस्जिद कब्रिस्तान का, तो पहले मसला जो है यहाँ दरगाह शरीफ पे आता है, माहिम दरगाह पे, और यहाँ से हम लोग एक लीगल लाइन ऑफ एक्शन या गवर्नमेंट के साथ में क्या लाइजोनिंग करने की और उनको क्या अपडेट करने का है, तो हम यहाँ से बताते हैं उनको। लास्ट वीक एक फ़ोन आया था वहाँ के स्थानिक लोगों का, मस्जिद के तरफ हम लोग पाकमोडिया स्ट्रीट के मुसाफिर खाना मस्जिद के ऊपर एक राउंड भी मारे, और वहाँ बड़ा अफसोस हुआ कि जो तरीके से वो जो काम हुआ है उसके ऊपर आज उसके बाद में वहाँ जाने के बाद में कुछ प्रेस ने भी हमारे को फ़ोन किया, हमने एक टाइम निकी किया कि आज जो है हम हमारे विचार बताएंगे, हमारे जो ख्याल थे उसके बारे में बताएंगे, और यहाँ आज की महफिल में जो है एडवोकेट्स भी मौजूद है, जो पेटिशनर्स भी है वो भी मौजूद है, वक्फ बोर्ड के मेंबर भी यहाँ मौजूद है, और काफ़ी लोग इधर आए जो अपने अपने तरीके से बताएंगे। तो ये मैटर उनको समझा दिया गया है कि अभी आगे क्या लीगल लाइन ऑफ एक्शन लेने का है, गवर्नमेंट के पास कैसा हमारा अप्रोच होगा, और कोई भी चीज़ जो है वक्फ के अगर अगेंस्ट में अगर जा रही है, क्योंकि वक्फ की हेडलाइन ही ये है कि वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, एक बार जो चीज़ वक्फ में है वो वक्फ से आ नहीं सकती है, ये एक अमानत के तौर पर हम देख रहे हैं उसको, हम एक कस्टोडियन है, और इसकी जो मलकियत है वो अल्लाह ताला की है। अभी मैं चाहूँगा कि जो यहाँ दूसरे लोग बैठे, एडवोकेट बैठे इधर यूसुफ बागवाला, आरिफ सैयद बैठे हुए जो पेटिशनर है, डॉक्टर मुदस्सिर लांबे, दूसरे हजरात यहाँ बैठे हुए वहाँ के स्थानिक बैठे हुए, वो आपसे मुताकिब होंगे। दरगाह की तरफ से आपको एक रिक्वेस्ट की गई है कि लोगों की मदद करने के लिए, वक्फ बोर्ड के अंदर ये सारा मामला आता है, तो इस तरीके के कई सारे ऐसे मामले जो है लगातार वक्फ बोर्ड के अंदर आ रहे हैं बाहर निकल के, तो इस बार किस तरीके से मदद करेंगे हम लोगों? देखिए, ऐसा है कि ये 2019 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, जब हमारी पहली मीटिंग हुई थी हमारे इलेक्टेड होने के बाद जो है 11 और 12 दिसंबर को जो मीटिंग हुई थी, उसमें वो सबसे पहला इशू हमने उठाया था कि सैफी जो ये जो मस्जिद है, मुसाफिर खाना मस्जिद है, उसको NOC किसने दिया? तब वहाँ पे उसके स्क्रूटनी हुई, वहीं बोर्ड मीटिंग में स्क्रूटनी हुई, और स्क्रूटनी में ये डिसाइड हो गया कि ये जो है बोगस NOC गई हुई है, उस NOC के ऊपर इमीडिएटली इस्ते ला के उसको कैंसिल किया गया, और उसके जो है हम लोगों ने जो है बोर्ड की तरफ से जो है, और इसमें हमको हमारे जो मिनिस्टर हैं, माइनॉरिटी मिनिस्टर नवाब मलिक, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा इस चीज़ में कि उन्होंने भी हमको बहुत सपोर्ट किया, हाथों हाथ हमारे साथ में लगे रहे, और वैसे ही हम लोग ने इमीडिएटली जो है बम्बई कलेक्टर, BMC कमिश्नर, इनको सबको लेटर लिखे, और वहीं हमने वो आगे प्रोसेस चालू किया उसका। उसके बाद जो है उन लोग जो है हमारे प्राइवेट NGOs जो हैं वो काफ़ी सेशन में गए, सेशन से हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ पे भी उन्हें रिजेक्ट किया गया, और रिजेक्ट करने के बाद जो है जब ये मैटर वापस बोर्ड में आ गया कि भाई हम वहाँ पे रिजेक्ट हो गए, तो फिर बोर्ड ने वापस डिसाइड किया कि हम एक काम करते हैं, हम जो है सुप्रीम कोर्ट में हमारा बोर्ड की तरफ से और महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से हम एडवोकेट हायर करते हैं, और हम लोग ने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जो है हमने स्टे ले लिया। इस चीज़ तकलीफ इस चीज़ की हो रही है हमें कि आज सुप्रीम कोर्ट जिसकी जिसके ऑर्डर्स को जो है हम पूरा इंडिया मानता है, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आता कि SBUT आखिर किस चीज़ की बनी हुई है, इसके पीछे बैकिंग क्या है, ये हम नहीं जानते अभी तक। हम वही जानना चाहते हैं कि SBUT के पीछे बैकअप किसका है, और SBUT का अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को अगर नहीं मानती, मतलब उनकी ताकत क्या है कि SBUT जो है ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानने का रीज़न क्या है, ये इसमें काफ़ी सवालात हैं। तो हम इंशाल्लाह इसके ऊपर जो हम डिस्कस करेंगे, जो पहले वहाँ की यहाँ के जो बम्बई के जो लोकल लोग आए हुए हैं और जो ट्रस्टियन जो आए हुए हैं, हम पहले उनसे बात कर लेते हैं, हम फिर बाद में लास्ट में जो है आपको हम पूरा डिटेल दे देंगे कि हमने क्या स्टेट अब तक क्या किया और क्या करने वाले हैं आगे। हम का जो मेंबर्स है या जो भी लोग हैं वो आगे आके इसके ऊपर अपनी प्रॉपर्टी का जो बोर्ड है और बाकी सब जो उनकी जो मिल्कियत का जो है
हुकूक को दिखाना चाहिए, वहाँ पर शो होना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए उसको। उसके अगर वोट लगेगा तो ऑटोमेटिकली प्रोटेक्शन आ जाएगा। आज आज जो 2009 से ये चल रहा है और आज 2021 आ गया, और 21 में आने तक के कितनी वर्क प्रॉपर्टी जो है डैमेज हो चुकी है, डेमोलिश हो चुकी है। अब एक एक करते करते जो है ये मुसाफिर खाना मस्जिद तक के आ गए। जब 354 लागू किया इन्होंने, तो 354 लागू करने से पहले इनसे अगर पूछा जाए तो महाड़ा और बीएमसी दोनों ये बोलते थे कि एलओ इश्यू करने के बाद में एलओ की कंडीशन नंबर 22 के हिसाब से डेवलपमेंट जो ये है, जो भी आईओडी और सीसी इशू नहीं होती तब तक वो बिल्डर डेवलपर का काम है एसबीओटी का, कि उसको मेंटेन करे वो प्रॉपर्टी को और उसको बचा के रखे। आज की तारीख में जब वो खुद मूव करती है, जिसे आपके बोर्ड ने स्टे लिया 15 अक्टूबर 2000 अपने 20 को, तो उसके बाद में उन्होंने मूव किया दिसंबर में एसबीओटी ने, और बहुत ट्राई किया गया, डेंजरस है, डिलेपिडेट है, बहुत मूव किया। 3 मार्च को एट लास्ट जब उनका पूरी तरह से नाकाम हुई और ये अप्रैल में मूव हो गया, डेढ़ जो एक महीने बाद की थी, तब जाके 4 मार्च को ये जो है नोटिस इश्यू होता है बीएमसी से। तो ये इनका इंटरनल मैनेजमेंट जो है वो बीएमसी को यूज करके काम किया गया है। सर डॉक्टर साहब, जैसा कि आप अभी हमको बता रहे थे, नोटिस के अंदर मैं अनऑथोराइज भी लिख रहा है ये बिल्डिंग को, जो कि बहुत ओल्ड बिल्डिंग है सर। ठीक है, अब तो मेरे प्रोग्राम में रोक रहा, माफ करना मेरे को। डॉक्टर साहब आप कह रहे थे कि आपकी बोर्ड मीटिंग है अभी, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि सर एसबीटी के अंदर 2 मस्जिद की प्रॉपर्टी है जो डिमोलिश हो गई है, जो रजिस्टर भी नहीं, किसी को पता नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, डॉक्यूमेंट देता हूँ आपको मैं, ठीक है। आपको उसके ऊपर, जैसा आपने कहा ना कि आपको एफ आई आर करना है, आपको करवाना पड़ेगा सर, क्योंकि आपने सबके सामने कहा है कि आप एफ आई आर करोगे। सर डॉक्टर स्ट्रीट मस्जिद करके एक प्रॉपर्टी है, डॉक्टर स्ट्रीट मस्जिद, उसके इन्वेंट्री बॉन्ड पर परचेज किया गया है, पूरे डॉक्यूमेंट मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, ओके। इसके अलावा दूसरी एक मस्जिद है, दी केडवानी मस्जिद ट्रस्ट, ये भी मस्जिद की प्रॉपर्टी है सर। तो अब जब सेलर जो ट्रस्टी जिन्होंने बेच के चला गया वक्फ की प्रॉपर्टी और परचेस करने वाले जो एसबीटी के ट्रस्टी है, उसके ऊपर एफ आई आर करोगे कि नहीं करोगे आप? देखिए, अभी मैंने आपको इसके पहले ही बताया कि लास्ट मीटिंग जो हमारी बोर्ड की हुई थी इस्लाम जिमखाने में, उसमें यही रेजोल्यूशन हमारा पास हो गया है कि जितने भी इलीगलिटीज़ जो हुई हैं प्रॉपर्टी, वक्फ की प्रॉपर्टी, उसके ऊपर हम मिनट साइन करके जो है हम इमीडिएटली एक्शन लेना शुरू करेंगे। मैं आपको आज का जो खास मुद्दा है ये एसबीओटी के लेके हैं कि हमारे मुसाफिर खाना मस्जिद को जो है डेमोलिशन करने के लिए काफ़ी कोशिशें की गई। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ देना चाह रहा हूँ कि वक्फ, जो प्रॉपर्टी वक्फ में है, अब इसमें दो चीज़ें आती हैं कि एक तो ये होता है कि भाई जो डायरेक्ट रजिस्टर होती हैं वक्फ में, और एक बार जब वक्फ में रजिस्टर होती हैं या जो भी प्रॉपर्टी वक्फ होती हैं उसका मालिक जो है सिर्फ अल्लाह होता है, बाकी इंसान कोई भी नहीं होता। हम अगर आज ट्रस्टी हैं तो हम सिर्फ केयर टेकर है, और केयर टेकर का काम होता है कि उसकी हिफाजत करना, उसको मेंटेन करना। मैं आपको थोड़ा ब्रीफ देना चाहता हूँ। और रहा सवाल कि एसबीयूटी में जो है ये चैरिटी कमीशन में जो है ये पूरी प्रॉपर्टीज जो है पहले चैरिटी कमीशन में थे, और चैरिटी कमीशन जो है ये बिंदास जो है वो मनमानी कर रहा है, जो एनओसीज भी दिया जा रहा है, सेल एग्रीमेंट की परमिशन भी दिया जा रहा है, सब कुछ दिया जा रहा है, लीज एग्रीमेंट का भी ये किया जा रहा है, परमिशन दिया जा रहा है। इसमें हमारा सबसे पहला मुद्दा ये रहेगा कि ऑलरेडी हमारी इस चीज़ के लिए हमारी माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में बात हो चुकी है, नवाब भाई से हमारे मिनिस्टर जो है उनसे बात हो चुकी है, और हमारे सीईओ और डेप्यूटी सीईओ भी वहाँ पे चैरिटी कमीशन में जाके मीटिंग करके आए हुए हैं उनसे, कि जितनी प्रॉपर्टी वक्फ में है जो भी रजिस्ट्रेशन से जो आती हैं वो एक्ट 1995 के एक्ट के हिसाब से जो है वो पूरे वक्फ में आना चाहिए। नो डाउट उन्होंने हमारे पास भेजा कुछ नियर अबाउट 5000 के आसपास फाइल उन्होंने पूरे महाराष्ट्र की भेजी हुई है, लेकिन ये 5000 नहीं है, ये कम से कम 23-25 हज़ार के ऊपर के फाइल उनके पास अभी भी रखे हुए हैं, तो उसी का वो फ़ायदा ले रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह हम लोग उस चीज़ के ऊपर भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी फाइल जो है वो वक्फ में आ जाए और वक्फ ये कर ले। दूसरी बात बताना चाहता हूँ कि एसबीयूटी जो है तकरीबन 40 एकड़ का प्लॉट है, इसमें हमारे वक्फ के जो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन जो आई है, जो हमारे पास लीज भी आई हुई है, इसमें बोरी लोगों की खुद की जो है वो 35 बिल्डिंग्स हैं जो इसका प्रूफ हमारे पास है, उनके नाम के साथ में, एड्रेस के साथ में, प्लॉट सर्वे नंबर के साथ में है। और ऐसे दूसरे जो सुन्नी जो मस्जिद ये हैं, बिल्डिंग्स हैं, मतलब ट्रस्ट की जो मस्जिद है, ये ट्रस्ट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, बिल्डिंग्स हैं, वो नियर अबाउट 40 के करीब है, ठीक है। ये जैसा ही मुसाफिर खाने का जो 2017 का जो इशू आ गया था कि भाई वहाँ पे जाके बोर्ड ऑफिसर जो मेंबर जो हैं जाके विजिट करेंगे और उसका इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो है वहाँ जमा करेंगे,
नो डाउट इंस्पेक्शन रिपोर्ट जमा किया गया, लेकिन बोर्ड में कोई भी ऐसा रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ था कि जिसकी वजह से वो एनओसी दी गई। फॉल्स एलिगेशन की वजह से, फॉल्स इंस्ट्रक्शन की वजह से उस वक्त में भी पॉसिबल कि गवर्नमेंट के कुछ मजबूरियाँ हो सकती हैं या गवर्नमेंट के कुछ पावर हो सकते हैं, हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन उस वक्त जो है वो एनओसी दिया गया था। तो फिर उसको रेफर करेंगे कि नहीं करेंगे? एनओसी दिया गया था, मैं आपको पूरा डिटेल में दे रहा हूँ। एनओसी दिया गया था, उस एनओसी को जो है हम जब इलेक्टेड होके आए उस वक्त हमने आवाज़ उठाई, हमारी पहली मीटिंग थी 11 और 12 दिसंबर 2019 को, उसमें हमने हमारा पहला मुद्दा वही रखा कि एसबीयूटी को जो एनओसी दी, इसको जो एनओसी दी गई उस एनओसी को जो है वो कैंसिल किया जाए। तो वहाँ पे उसके उस वक्त जो है 3 से 4 मेंबर पुराने थे, तो उस वक्त डिस्कशन किया गया कि भाई आप लोगों ने ये रेजोल्यूशन पास, तो कहाँ रेजोल्यूशन पास हुआ था लेकिन आगे उसको अमेंडमेंट नहीं किया गया, तो फिर ये एनओसी कैसी दी गई? तो फिर उस वक्त जो है उस एनओसी के ऊपर स्टे लाया गया, और उस एनओसी के ऊपर स्टे लाने के बाद में जो है इमीडिएटली सबको स्टॉप वर्क नोटिस दी गई। ये हो गया उस वक्त की, मतलब इनिशियल स्टेज की बात। मैं रोक रहा हूँ सर आपको, आपकी उस गलत और बोगस एनओसी की वजह से एक मस्जिद डिमोलिश होगी सर, उसके जिम्मेदार कौन? मैं उस चीज को बोगस और गलत इसलिए नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मैं उस वक्त मेंबर नहीं था। लेकिन सर कैंसिल तो हुई ना? इस वक्त मैं मेंबर बना, मैंने उसकी इंक्वायरी की, जब मालूम पड़ा कि उस वक्त के जो सीओ थे, जो सीओ थे उन्होंने जो है रिस्पेक्टिवली उन्होंने जो एनओसी ये कहा था कि उस वक्त की गवर्नमेंट ने उनको रजिस्टर किया गया था। अब मैं वो भी गवर्नमेंट के ऊपर नहीं जाना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, एक दो मिनट खाली, मैं ये बोलना चाहता हूँ आप लोगों को कि हमारे ऑलरेडी लास्ट मीटिंग में हमारा रेजोल्यूशन पास हो गया है कि जिन लोगों जो भी इस तरह की प्रॉपर्टी, वक्फ की प्रॉपर्टी बेच रहे या विदाउट कंफर्मेशन ऑफ वक्फ बोर्ड एनओसी दे रहे हैं, उनके ऊपर देने और लेने वाले के ऊपर इमीडिएटली एफआईआर रजिस्टर होगा। और इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी हमारी जो कार्रवाई जो शुरू होने जा रही है, और इंशाल्लाह ये भी मैं कह रहा हूँ कि एसबीयूटी में जो 40 प्रॉपर्टी जो खरीदी गई, जो सेल एग्रीमेंट बनाया गया और दूसरे जो भी काफ़ी बॉन्ड वगैरह जो बनाए गए, इसके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे, क्योंकि एक बार वक्फ प्रॉपर्टी हो गई ना उसको चेंज किया जा सकता है जगह को, ना सर्वे चेंज किया जा सकता है। अभी उसके अंदर जो एनओसी दी गई है और उसके बाद में जो डिमोलिशन हो गई बिल्डिंग, उसके ऊपर आप लोग क्या एक्शन है? इसके ऊपर जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट में 5 तारीख को, सर नहीं सर माफ करना, उसमें नहीं, सुप्रीम कोर्ट में 5 तारीख को हमारा डेट है, उस पर इंशाल्लाह हमारे लीगल टीम ने यही कहा है कि 5 तारीख तक जो है आप खामोश रहे। उसके लिए आईपीसी ओपन है 166, 167, 217, 218, तो व्हाई नॉट द एफआईआर अंडर दैट सेक्शन 166, 167, 217। ऐसा है कि जब बोर्ड का जब कंसर्न आता है तो विदाउट कंफर्मेशन ऑफ बोर्ड मीटिंग, सॉरी टू से, कि एक लॉ बना हुआ है, एक्ट बना हुआ है कि विदाउट कंफर्मेशन ऑफ द बोर्ड मीटिंग हम कोई भी इसको पास नहीं कर सकते। हमारी जो लास्ट मीटिंग हुई इसमें हमारा यही एजेंडा था मोस्ट प्रॉब्ली कि जितने इलीगल प्रॉपर्टीज को जो कैप्चर किए हुए, जो बिल्डिंग बना रहे या सेल डीड जो किया हुआ है, उनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर करना। ये इंशाल्लाह हम लोग जो है विद इन 15 डेज में जो है इस प्रोसेस को चालू करेंगे। सर एक छोटा सा सवाल ये, ये कुछ बिल्डिंग के टेनेंट्स लोग आए, ये जो है तुम्हारा अरुण सिद्दीक चैरिटेबल ट्रस्ट, हाजी अरुण सिद्दीक चैरिटेबल ट्रस्ट, इनके 33 टेनेंट लोग जो है यहाँ पर अभी आपके सामने यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, ये लोग आए हुए यहाँ पर, इनकी बिल्डिंग को ट्रस्ट वालों ने बेच दिया गया है, ट्रस्ट ने अपना एज अ लैंडलॉर्ड बोल के अपने आप ट्रस्ट को बेच दिया है। ऑलरेडी इनके सब डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद इन पे इतना प्रेशर बनाया जा रहा है, इनके साथ में इनको घर खाली करने के लिए इनकी रहा सवाल परेशानियों की, और जो आपने जो डॉक्यूमेंट दिया है कि वक्फ में रजिस्टर है 2019 में जी। तो इंशाल्लाह जो भी वक्फ के रिलेटेड जो हमारे तो जो पेपर्स आएंगे, मेरे आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आज ये जो मस्जिद का इशू जो हुआ है या ये जो टेनेंट लोग आए, आप एक एक जॉइंट मीटिंग इनकी माइनॉरिटी मिनिस्टर के साथ करा दीजिए, ताकि कम से कम आज ये लोग जो भरोसे पे बैठे सरकार के, तो इनका इनको तो थोड़ा आश्वासन मिले। पुलिस वहाँ पर सुनने के लिए तैयार नहीं है, बीएमसी की दादागिरी अलग चलती है, माड़ा के ऑफिसर्स की दादागिरी अलग चलती है, तो सर ये लोग वहाँ पर रहते हैं फैमिली वाले गुंडे लोग नहीं है सर जो लड़ेंगे झगड़ेंगे, वो झूठी एफआईआर लॉन्च होती है वहाँ पर, जो आवाज उठाने जाता है तो उनके उनको पुलिस स्टेशन में इलीगली डिटेन किया जाता है। ऑलरेडी मस्जिद और मदरसा है लोनावाला में सर, ये और अजमेर में भी इसकी प्रॉपर्टी है सर। देखिए अभी आप लोगों ने मुझे जो पेपर दिया है, ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है,
और जिस तरह से इसमें सर जितने भी लोग बैठे आपको सिर्फ इतना आश्वासन नहीं चाहिए इसमें मैं वही बोलना चाहता हूँ आप लोगों से माध्यम से मीडिया के माध्यम से मैं पब्लिक को बताना चाहता हूँ कि ये जैसा अभी जैसा मुझे इन्होंने दिया अभी के भाई प्रॉपर्टी जो है वकफ प्रॉपर्टी है इस तरह से हम जो है इसकी स्क्रूटनी कर रहे हैं कि कितनी प्रॉपर्टी हमारी वकफ की जो है एसबीयूटी में गई है या अदर स्टेट अदर एरिया में गई है महाराष्ट्र की जहाँ जहाँ प्रॉपर्टी वकफ की प्रॉपर्टी जो है ट्रस्टी लोगों ने बेची हुई है या उसको एनिमिटी बाउंड करके उन्होंने और कुछ डील किया हुआ है तो इसके ऊपर हम 100% इसके ऊपर एक्शन लेंगे। और रहा सवाल कि अभी भाई ने पूछा हमें कि भाई इसके लिए अब आप जो है मीटिंग लेके मिली 100% हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे। खाली यही नहीं हमारा एक रेजोल्यूशन पास हुआ है कि जिस तरह जो भी प्रॉपर्टी लोगों ने खरीदी हुई है उसके ऊपर एक्शन लेंगे ही लेंगे और खाली एक्शन नहीं लिया जाएगा उसके ऊपर FIR रजिस्टर होकर एक्शन लिया जाएगा। थैंक यू सर। ये जो सैफी मस्जिद है इनकी ये जो बिक गई मतलब खाली जो है वो शाल के नीचे चेंज कर दिया गया टाइटल ये सैफी मस्जिद जो है सैफी मस्जिद ट्रस्ट से बिक कर गई SBUT के अंडर में और SBUT ने उसको खरीदा 29 लाख के अंडर में। तो ये जो उनकी जो प्रॉपर्टीज है ये जो बेचे उन्होंने उसके बाद में वक्फ बोर्ड जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गया स्टे लिया लेकिन उसके बावजूद भी उधर काम चालू है। और दूसरा दूसरी चीज़ ये है कि मेरा बोलना ऐसा है कि जो चीज़ वक्फ जैसे अपने सोहेल भाई ने बताया कि वंस है वक्फ ऑलवेज है वक्फ बराबर है। तो अगर आप ये जाते हो डेवलपमेंट में और अमलगमेशन का अलाउड देखते हो NOC करते हो तो वक्फ का जो है स्टेटस क्या रहेगा उसे तो इसीलिए हम कह रहे हैं इसीलिए हम यही कह रहे हैं आपको कि हम लोग जो है इसके ऊपर एक्शन लेंगे। अगली मीटिंग का इसका पूरा हमें डिटेल मिल जाएगा हम उसके ऊपर स्क्रूटनी कर लेंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है मीडिया से बात करेंगे। क्या मुतमिन होके जाए कि इंशाल्लाह आगे चल के ये जो तकलीफ है ये दोबारा हमारे लोगों को नहीं हो। देखिए जैसा मैंने बताया कि हम सब कस्टोडियन हैं ये अल्लाह ताला की प्रॉपर्टी है और इसमें हमारी पूरी मेहनत रहेंगी और नियत साफ से हम ये काम करेंगे। जहाँ तक कि SBUT जो काम करती है अगर एड वैल्यू करती है सिटी को वो अपने हिसाब से करे हुए वो उसमें हमारी कोई रोक नहीं है लेकिन कोई भी चीज़ अगर वक्फ के अगेंस्ट में होगी तो माहिम दरगाह के प्लेटफॉर्म से मुहिम चालू रहेगी और इंशाल्लाह इसका अंजाम भी अच्छा आएगा। थैंक यू भैया। जो वक्फ के मुताबिक हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं लेकिन वक्फ के लिए हम लोगों को कुछ पॉइंट्स हो कहीं ला के रख सके आपके माध्यम से वक्त ये हमें ऑफिस होना चाहिए और ताकि वहाँ ला के हम लोग आपको कंप्लेंट या तो उसकी जो भी ये है डिटेल है आपको ला के हम आप कंसल्ट कर सकें। ऐसा मुंबई में एक ऑफिस हमें ऐसा कुछ है सर आपके यहाँ पर मुंबई में ऐसा है कि हमारा कोकन डिवीजन का ऑफिस है ओल्ड कस्टम ऑफिस पे सेकंड फ्लोर पे ओल्ड कस्टम ऑफिस पे वहाँ पे हमारे जो ऑफिसर है जब्बार करके हैं आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। अगर वहाँ पे अवेलेबिलिटी प्रॉब्लम होता है तो माहिम दरगाह पे आइए हमारा ऑफिस 24 घंटा खुला रहता है। और रहा सवाल कि हम माहिम दरगाह के ट्रस्टी होने की वजह से माहिम दरगाह का ट्रस्टी एज वेल एज वक्फ बोर्ड का मेम्बर होने की वजह से मेरा फर्ज है कि जितनी हमारी मुस्लिम कम्युनिटी की जो है वक्फ की प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट करना है मेरा फर्ज है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी जितने भी सामने मुद्दे आए हुए हैं इसकी सुनी की जाएगी और बहुत जल्दी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस से लोगों के माध्यम से मस्जिद के ऊपर वाजिब है ये आपका और SBUT के बीच में क्या हुआ इसके बारे में तो मैं जानना नहीं चाहता हूँ। माहिम दरगाह मैं आपको इतनी श्योरिटी देना चाहता हूँ कि माहिम दरगाह की तरफ से आप लोगों के लिए एक स्पेशल एडवोकेट बुक किया जाएगा और सिर्फ SBUT के लिए ही काम करेगा वो। शुक्रिया।